The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So congenital heart disease, क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है? CHD या congenital heart disease, बचपन से होने वाली दिल की बीमारियां, जो बचपन से कई लोगों को पता है दिल में छेद होता है, लेकिन दिल के अंदर और भी बहुत कुछ हो सकता है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, राइट? जैसे बता दें, हार्ट का स्ट्रक्चर, ना सिर्फ स्ट्रक्चर, हार्ट के फंक्शन में भी गड़बड़ी आ सकती है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में, और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ज़्यादातर ये एक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज अपने आप में एक बर्थ डिफेक्ट बोला जाता है, और ज़्यादातर केसेस में बचपन में, जो पहले साल के अंदर जिन बच्चों की मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, उसका सबसे ज़्यादा कॉमन कारण कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है। और इसके दो प्रकार से डिवाइडेड है, दो प्रकार से, नंबर वन है साइनोटिक हार्ट डिजीज़, नंबर टू है एसाइनोटिक। अब ये क्या है? देखिए, हार्ट का काम है ऑक्सीजनेटेड खून पंप करना, ऑक्सीजन वाला खून पंप करना बाहर। अगर किसी कारणवश कोई हार्ट में ऐसा डिफेक्ट हो गया कि वो ऑक्सीजन वाला खून नहीं पंप कर पा रहा सही तरीके से, या कम मात्रा, या तो सही मात्रा में नहीं कर पा रहा, या फिर ऑक्सीजन वाला खून गंदे वाले, नॉन ऑक्सीजनेटेड वाले खून से मिक्स हो जा रहा है, तो ये क्या कर सकता है? आपके ऑर्गन्स को साइनोसिस, मतलब वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा तो वो ब्लू होने लगते हैं, तो इसे साइनोटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं, जिसमें के ऑक्सीजनेटेड खून सही से नहीं जा रहा, तो जो शरीर है उसके जो एंड है वो नीले पड़ने लगते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन की वजह से, सिंपल ऑक्सीजन की कमी। सो कौन कर रहा है? हार्ट के अंदर डिफेक्ट। तो अगर ऐसा हो रहा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सही से नहीं जा पा रहा, साइनोटिक हार्ट डिजीज, ऐसा हो रहा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सही से जा पा रहा है तो नॉन साइनोटिक हार्ट डिजीज। इसके क्या क्या है? साइनोटिक हार्ट डिजीज में आती हैं कई सारी बीमारी, जैसे कि टेट्रोलॉजी ऑफ फैलट्स, ये बीमारी है जिसमें हार्ट का काफ़ी सारा स्ट्रक्चर, बीच का स्ट्रक्चर टेढ़ा हो जाता है, एक पूरा का पूरा सांस में जाने वाली नसंग बंद हो जाती है, एक बीच में हार्ट के जो सेप्टम है उसमें छेद होता है, तो चार पांच चीज़ें एक साथ होती है, इसलिए टेट्रोलॉजी, चार चीज़ें बोलते हैं इसको। पल्मोनरी एट्रेसिया, यानी कि लंग्स को जाने वाली जो नस है वो बहुत सिकुड़ जाए, बंद हो जाए। टोटल एनोमली ऑफ पल्मोनरी वेनस रिटर्न्स, मतलब जो लंग से अच्छा खून आना है वो अच्छा खून वापस लंग वाले ही जगह पे जा रहा है, जहाँ पर हार्ट राइट लेफ्ट साइड में जाना चाहिए वो राइट में जा रहा है, राइट? या ग्रेट वेसल्स ही ट्रांसपोजिशन हो जाए, यानी कि जो हार्ट से अच्छा खून लेके पूरे शरीर को जाती है वो अच्छा खून लेके वापस लंग में चले जाए वापस, और जो गंदा खून आ रहा है शरीर से वो वापस पूरे शरीर में घूमता रह जाए। ऐसा भी होता है कि जो बड़ी बड़ी नसें हैं वो उल्टी हो गई, वो यहाँ इधर जाने वाली इधर आ रही है, इधर जाने वाली इधर आ रही है, ट्रांसपोजिशन। ट्रंकस आर्टेरियोसस, ट्राइकस्पिड एट्रेसिया, एप्स्टीन एनोमली, हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट, यानी लेफ्ट हार्ट जो मेन हार्ट है, जो मेन चेंबर है हार्ट का पंप करने वाला, वो छोटा हो गया, वो हाइपोप्लास्टिक, यानी वो राइट से छोटा है। नॉर्मली वो राइट से बड़ा होता है, अच्छा ताकतवर होता है, और इतना ताकतवर होता है उसका प्रेशर डबल होता है, लेकिन अब की बार वो छोटा हो गया। तो कंजेनाइटल मतलब कुछ भी हो सकता है ऐसा, और कई बार ये तो हमने बताया आपको, इससे भी अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं कि एटिपिकल प्रेजेंटेशन हो सकती है। सो ये दुनिया का अजीबोगरीब नमूने, अजीबोगरीब चीज़ें होती है, अजूबा होता है, अजूबा कुछ भी बन सकता है। वैसे ये सारी होगी साइनोटिक हार्ट, जिसमें कि साइनोसिस होगा, मतलब सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं जाएगा। अब एसाइनोटिक हार्ट डिजीज जो ज़्यादा कॉमन है, जैसे कि aortic stenosis, bicuspid aortic valve, aortic valve यानी हार्ट से निकलने वाली जो मेन खून की नस है aorta, जो पूरे शरीर को सप्लाई करती है, उसमें एक वैल्व होती है, ये ट्राइकस्पिड होती है, यानी वैल्व का काम है इधर एक तरफ खून जाने देना, दूसरी तरफ आ रहा तो बंद हो जाना, तो इसमें तीन कस्प होते हैं, कस्प मतलब ये तीन होते हैं, एक दो तीन, तीन की जगह दो रह गए किसी के, तो जिनके दो ही है कंजेनाइटली, उनका ये बंद होने के चांसेस ज़्यादा है, स्टेनोसिस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, बाइकस्पिड एओर्टिक वैल्व। फिर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, मतलब जो हार्ट के चार हिस्से हैं, दो ऊपर दो नीचे, ऊपर वाले हिस्से के बीच का जो सेप्टम है उसके अंदर छेद है, उसके अंदर छेद है। पहले तो देखो, छोटे बच्चों में अंदर जो माँ के पेट में होते हैं उसमें छेद ऑलरेडी होता है,
पर वो बंद हो जाता है, वो बंद होने के बाद इंसान सही से जीत पाता है, कुछ लोगों का नहीं हो पाता, तो वो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता है। उसके लिए भी कुछ दवाएं आती हैं जो हो सकता है समय के साथ बंद कर दे, राइट। सो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकल मतलब यही ऊपर वाले की जगह नीचे वाले चेम्बर्स है, उसके बीच के छेद में छेद है, वहाँ ज़्यादा प्रेशर है, ऊपर वाले में कम प्रेशर है, नीचे में ज़्यादा प्रेशर है, तो ज़्यादा ज़ोरदार वहाँ से आपका ब्लड ऊपर नीचे होता है, ये आपको समझना है। फिर कोआर्कटेशन ऑफ अयोटा, मतलब जो मेन अयोटिक स्टेनोसिस की बात करी थी कि वैल्व खराब है, चलो वैल्व ठीक है, लेकिन उसके ऊपर से जो पाइप जा रही है वो कहीं दबी हुई है, वो दबी हुई है, कोआर्कटेशन है, पतली हो गई है, वो भी गड़बड़ी करेगी। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, वेरी कॉमन प्रॉब्लम। सी नॉर्मली क्या था कि जो बच्चे होते थे पेट में, माँ के पेट में जो बच्चे हैं उनके जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो उसमें तो पानी भरा हुआ है, वो तो पानी में डूबे हुए हैं, स्विमिंग कर रहे हैं बढ़िया, टिकड़िंग टिकड़िंग टिकड़िंग, तो उनका लंग्स अभी काम नहीं कर रहे, तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, इसीलिए माँ के जो खून उनके अंदर जाता है, राइट, अम्बिलिकल आर्टरी से, प्लासेंटा से, वो वाला जो ऑक्सीजन वहाँ से लेते हैं वो, तो वो क्या होता है उनमें, जो अयोटा और पल्मोनरी यानी लंग वाला सर्कुलेशन, अयोटिक सर्कुलेशन में एक करेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं डक्टस आर्टेरियोसिस। ये बचपन में होता है, जैसे ही वो पैदा होते हैं सांस लेते हैं वो बंद हो जाता है, राइट। कुछ लोगों में नहीं होता बंद, कुछ लोगों में नहीं होता, तो वहाँ पर भी फिर भी कनेक्शन रहता है और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होता रहता है। देखिए एनाटॉमी यानी स्ट्रक्चर आपको ना समझे, लेकिन कॉन्सेप्ट तो समझेगा ना, कि कम से कम ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, अच्छा खून, ऑक्सीजन वाला खून और नॉन ऑक्सीजन वाला खून मिक्स हो रहा है, बात सिंपल, सिंपल सी बात है, छोटा छेद बड़ा छेद एक ही बात, मिक्स हो रहा है। वैसे ही वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, इन सब में मिक्स होगा। और कई बार एट्रियो वेंट्रिकुलर कनाल बन जाती है, एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट कहते हैं इसको। तो बहुत सारे प्रकार के डिफेक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रकार के सिंड्रोम्स हैं, पल्मोनरी स्टेनोसिस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ बीमारियाँ अकेले होती हैं, यानी कि सिर्फ हार्ट में बीमारी है बस, बाकी पूरा शरीर नॉर्मल है, लेकिन कुछ बीमारियाँ बच्चों में फिर दूसरी एबनॉर्मलिटी की, भाई जबान कटी हुई है, क्लेफ्ट लिप है, वो पैलेट है ऊपर से मुँह के ऊपर वाला हिस्से में पैलेट है, या कोई और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है, दिमागी विकास नहीं हो रहा है, तो कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी, मल्टीपल चीज़ें भी हो सकती है। तो ये सारे फिर क्रोमोसोमल सिंड्रोम होते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, मतलब आपका जीन्स में जेनेटिक, ऑब्वियसली एबनॉर्मल हार्ट बना है तो कुछ ना कुछ जेनेटिकली प्रॉब्लम था, वापस यहाँ पर भी जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपने उल्टी सीधी चीज़ें की, गलत दवा, दारू पी ली, उल्टा सीधा खाया पिया, वॉट एवर इट इज़, लाइक ड्रग्स, नॉट लाइक कोई सब्जी खाने से ख़राब हो जाएगा, नहीं, केमिकल ड्रग्स, ऐसी चीज़ खाई तो टॉक्सिसिटी करके ये हो सकता है। फिर ये क्या क्या सिंड्रोम, डी जॉर्ज सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, मार्फान सिंड्रोम, नूनान सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ट्राइजोमी 13, टर्नर सिंड्रोम, ये सारे क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी की सिंड्रोम है, या नाम रखने की, याद रखने की जरूरत नहीं है, बट समझने वाली बात यह है कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज ऐसे सारे चीज़ों के कॉम्बिनेशन से भी होता है, और बेसिक दो में डिवाइडेड है, साइनोटिक ए साइनोटिक। जिसको भी ये होगा, अगर किसी बच्चे को होगा तो कई सारी बीमारियां, नंबर वन चीज़ पुअर ब्लड सर्कुलेशन, अगर कंट्रोल नहीं है, ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है मदर का, तो भी एक बहुत बड़ा कारण है। मदर के केस में केमिकल्स इन्फेक्शंस, या मैंने जैसे बताया अल्कोहल या रुबेला का इन्फेक्शन, वो ज़्यादा खतरनाक कारण है, इसलिए प्रेगनेंसी में इन सबके टेस्ट होने बहुत ज़रूरी है, और कंट्रोल शुगर का, थायराइड का बहुत ज़रूरी है। जिसको बच्चे को अगर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होगी तो उसका क्या होता है, कई ऐसी बीमारियाँ हैं जो बिल्कुल बच्चा पैदा होते ही समझ में आ जाएगी, ये तो सांस ही नहीं ले पा रहा है, ये तो ऑक्सीजन नहीं आ पा रहा है, ये तो हाथ पैर नीले पड़े हैं, या कुछ सालों तक पता नहीं चलेगी, जैसे कोआर्कटेशन ऑफ अयोटा है, छोटा सा छेद है, ASD, VSD, PDA, पीडर पेटेंट अफ्टर, तो हो सकता है कि ज़िंदगी भर कोई प्रॉब्लम ही ना आए, आपको पता ही ना चले, आगे चल के कभी इकोकार्डियोग्राफी हो रही, इसमें तो कुछ है ऐसा। सो ऐसे भी चीज़ें हैं जो बचपन में पता चल जाती है, ऐसे भी है ज़िंदगी भर पता ना चले। लेकिन जो चाहिए, प्रेगनेंसी के टाइम पे अल्ट्रासाउंड से थोड़ा आइडिया मिलता है, फीटल अल्ट्रासाउंड से हार्ट आइडिया मिलता है, और बच्चा पैदा होता है उसके अल्ट्रासाउंड बच्चों का कार्डियक, पीडियाट्रिक या फीटल इकोकार्डियोग्राफी से आइडिया मिलता है कि भाई हाँ, हार्ट नॉर्मल चल रहा है या कुछ एबनॉर्मल है। अल्टीमेटली ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा कितनी खतरनाक बीमारी है, कितना वेरिएशन है, कितना, देखिए अगर छोटा सा छेद है तो वो समय के साथ अपने आप बंद भी हो सकता है, जैसे जैसे हार्ट ग्रो होगा,
अगर बड़ा छेद है और उसमें प्रेशर ज़्यादा है या मिक्सिंग ज़्यादा हो रही है, साइनोसिस हो रहा है, तो उसको बंद करना पड़ेगा। अगर कोई और मेजर एबनॉर्मलिटी है तो वो ऑपरेट करना पड़ेगा। ऑपरेट करके हार्ट की खून की नसें उल्टी है तो उनको सीधा करना पड़ेगा, या हार्ट के अंदर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी हो तो उसको करेक्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। कई बार एक ऑपरेशन हो जाता है, कई बार मल्टीपल ऑपरेशन करने पड़ते हैं। अल्टीमेटली ये देखना पड़ता है कि एंडो इकोकार्डियोग्राफी रेगुलर करके एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिक सर्जन डिसाइड करते हैं कि हाँ इन पेशेंट को ऑपरेशन से फ़ायदा होगा या वेट एंड वॉच करना है या क्या करना है। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस से कई बार प्लेन सिंपल पैरासिटामोल दे के बंद हो जाता है। कैन यू इमेजिन दैट? पहले इंडोमिथासिन देते थे, अब नहीं देते, पैरासिटामोल दे के बंद हो जाता है। जी हाँ। तो बहुत सारी जोरदार चीज़ें हैं दिल के अंदर जो पता होनी चाहिए आपको। अब आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट, कैसे बचोगे, प्रिवेंट कैसे करोगे अपने बच्चों के लिए? बहुत सिंपल है भाई साहब, प्रेगनेंसी के दौरान कोई ड्रग, कोई भी अल्कोहल, दारू भीरू नहीं पीना। अपने डॉक्टर को बताना अगर आप कोई भी दवा ले रहे हो, प्रेगनेंसी हो रही है और दवा ले रहे हो कोई, प्रेगनेंसी के दौरान अपने आप की टेस्ट रेगुलर करना, इन्फेक्शन नहीं होने देना है इम्यून रूबेला से, तो रेगुलर टेस्टिंग करेंगे, डॉक्टर की बात सुनेंगे तो पता चलता रहेगा। एक गायनेकोलॉजिस्ट होनी चाहिए, चाहे कुछ भी कर रहे हो गायनेकोलॉजिस्ट से विजिट जरूर करना है, चाहे नेचुरल करना है, सीजीरियन करना है, घर पे करना है, आई डोंट केयर, गायनेकोलॉजिस्ट से चेकअप रेगुलर कराना है। और डायबिटीज़ कंट्रोल जोरदार तरीके से करना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप कवर कर लेंगे तो आपके कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस ना के बराबर या बहुत कम हो जाएंगे, आप अपने और अपने होने वाले बच्चों के लिए। और दूसरे जो दुनिया में बच्चे हो रहे हैं, भाई साहब देखो रेडिएशन तो कम होने वाला है नहीं, दुनिया में बेंजीन तो फैल ही रहा है, इतने पोल्यूशन है, इतने वो है, जब तक इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ नहीं आती है ये सब है ही, डीजल पेट्रोल बेंजीन पोल्यूशन केमिकल्स लाइक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो केमिकल के बिना है, सब कुछ केमिकल्स हैं। यहाँ लोग सिर्फ एक रिफाइंड ऑयल को गालियाँ देते हैं और इसको गालियाँ देते हैं, उसको गालियाँ देते हैं, या सब्जियों में जो पानी डाला जाता है उसमें केमिकल, जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो केमिकल, फ्रूट्स में जो इंजेक्शन वो केमिकल, सब कुछ तो केमिकल है, राइट? सो यू कैन नॉट हाइड फ्रॉम इट, बचना बहुत मुश्किल है, राइट? टेस्ट ही कर सकते हैं, टेस्ट करते रहो, हेल्दी रहोगे, कम से कम बीमारी जल्दी पकड़ में आएगी, राइट? सो रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स फॉर द हार्ट, कीप योर हार्ट हेल्दी। थैंक यू सो मच।